दुनिया में एकमात्र देश भारत ही ऐसा है जहां दैनिक जीवन के हर छोटे छोटे कामों में आध्यात्मिकता व्याप्त रहती है। यह वह भूमि और संस्कृति है जिसने हजारों वर्षों से योगियों, सिद्धों और ब्रह्म ज्ञानियों का पालन पोषण किया है। इन प्राणियों ने जीवन की बहुत गहराई में खोज की, मानव कल्याण के सभी पहलुओं पर विचार किया और खूब समझ बूझ कर एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां पर छोटे से छोटे काम का भी एक आध्यात्मिक आधार होता था। भारत में कई सदियों से आध्यात्मिकता जीवित बनी हुई है और फली फूली है, क्योंकि इन प्राणियों ने ऐसे स्थानों और मंदिरों को बनाया जहां पर उन्होंने अपने ज्ञान संचित कर दिए। एक ऐसा ही स्थान है कैलाश। यह ऊर्जा का शक्ति भंडार है। आदि योगी शिव सबसे पहले प्राणी थे जिन्होंने यहां पर अपने ज्ञान को ऊर्जा के रूप में संचित किया। यह स्थान हालांकि भक्तों से भरे रहते हैं, परंतु प्राचीन मंदिरों की स्थापना पूजा स्थान के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि मूल रूप से इनकी स्थापना शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों के रूप में की गई थी, जहां पर लोग खुद को गहराई से रूपांतरित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण पाते थे। सुबह सुबह मंदिर जाकर दर्शन कर लेने से व्यक्ति के दैनिक कामों में एक खास संतुलन और गहराई का बोध बना रहता है। मंदिर बनाने का एक गहन और सटीक विज्ञान है। भारत में मंदिरों का निर्माण अगम शास्त्र में वर्णन किए गए नियमों के अनुसार किया गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग मंदिर एक विशेष ढंग से काम करता है। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो आप एक खास मंदिर में जाएंगे। अगर आप भौतिक सुख चाहते हैं तो आप दूसरे मंदिर में जाएंगे। हर एक मंदिर का निर्माण जीवन के अलग अलग पहलुओं को संबोधित करने के लिए किया गया है। इन मंदिरों में मौजूद लिंगों की प्रतिष्ठा विशेषकर एक या दो चक्रों को लेकर किया गया है और उसी के अनुसार लोगों को लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन सदियों से बहुत से बुद्ध पुरुषों ने एक मंदिर का स्वप्न देखा था, एक ऐसा मंदिर जिसमें 7 चक्रों वाला लिंग स्थापित हो और सभी चक्रों की बिल्कुल चरम तक प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। एक ध्यान लिंग मंदिर, एक ऐसा मंदिर बनाना दूसरे मंदिरों की तुलना में सबसे जटिल काम है और यह काम इतना कठिन है कि कभी हो ही नहीं पाया था। करीब करीब 1000 साल पहले मध्य प्रदेश के भोजपुर नामक स्थान में इस प्रकार का ध्यानलिंग बनाने का सबसे नजदीकी प्रयास किया गया था, लेकिन निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब केवल एक ही ऐसा स्थान है जहां पर ध्यानलिंग मौजूद है। 2000 वर्षों के दौरान सिर्फ एक ही ऐसा ध्यानलिंग है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो सकी है। वेलियंगिरी पहाड़ियों को दक्षिण कैलाश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अनादिकाल से ही ये पहाड़ियां असंख्य सिद्धों, साधु संतों का निवास बनी हुई है। कहा जाता है कि स्वयं शिव ने इन पहाड़ियों पर समय बिताया था। सदगुरु ने इन्हीं वेलियंगिरी पहाड़ियों की तलहटी में ध्यानलिंग की स्थापना की। यह ध्यानलिंग उनके 3 जीवन काल की कठोर साधना का परिणाम है। ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की यह तीव्र प्रक्रिया 3 वर्षों तक चली थी। भारत में यह परंपरा रही है कि किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना पूरा शरीर भिगो लिया जाता है,
ताकि हम मंदिर की ऊर्जा को आसानी से ग्रहण कर सकें। तीर्थ कुंड पवित्र किए गए जल का एक कुंड है। इसके केंद्र में ठोस किए गए पारे से बना एक लिंग है, जिसे रसलिंग कहते हैं। इसकी प्रतिष्ठा एक खास ढंग से की गई है। मूल रूप से यह ध्यानलिंग में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को तैयार करने वाला एक यंत्र है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। तीर्थ कुंड का जल ऊर्जा को धारण किए हुए है। इस जल का स्वास्थ्य और कुशलता के लिहाज से शरीर पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के प्राण संबंधी दोषों को दूर करता है। मंदिर की भीतरी परिक्रमा के मुख्य द्वार से पहले सर्वधर्म स्तंभ आता है। विश्व के सभी मुख्य धर्मों के चिन्ह इस स्तंभ के तीन तरफ अंकित हैं। सभी धार्मिक मतभेदों से परे यह सबका स्वागत करता है। भीतरी परिक्रमा के खुले रास्ते तक पहुंचने के लिए हमें तीन सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों की असाधारण ऊंचाई श्रद्धालुओं को अपने पैर के तलवे को इन सीढ़ियों की कंकरीली सतह पर दबाने के लिए मजबूर करती है। इससे उसके शरीर के कुछ नाड़ी केंद्र जागृत होते हैं। इससे शरीर ध्यान लिंग की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए और अधिक तैयार हो जाता है। भीतरी परिक्रमा के मुख्य द्वार पर महर्षि पतंजलि की प्रतिमा विराजमान है। इन्हें योग विज्ञान का जनक माना जाता है। इनके दूसरी तरफ वनश्री मंदिर है। ये ध्यानलिंग मंदिर की देवी हैं। देवी की ऊर्जा विशेषकर स्त्रियों और बच्चों के लिए लाभदायक है। मंदिर के अंदर जाने वाले मार्ग में 6 फलक बने हुए हैं। इनमें 6 भारतीय संतों के जीवन के क्षणों को चित्रित किया गया है। ये संत ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति के जरिए परम चेतना को प्राप्त हुए थे। अंत में जाकर हम मंदिर के मध्य में एक भव्य एवं श्रद्धा जगाने वाले ध्यान लिंग के सामने खड़े होते हैं। आदिशक्ति से स्पंदन करता हुआ यह ध्यान लिंग उन सभी लोगों पर जादू कर देता है जो इसकी अगाध मौजूदगी में प्रवेश करते हैं। विश्व में ऐसा कोई दूसरा लिंग नहीं है। सद्गुरु की यह इच्छा है कि मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को सीधे गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति हो। यह एक दुर्लभ सौभाग्य है जो अधिकांश मंदिरों में नहीं मिलता। संस्कृत में लिंग का अर्थ है आकार। ध्यान लिंग ध्यान के उद्देश्य से बनाया गया एक आकार है। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वो भी जब ध्यान लिंग मंडल में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वो ध्यान की गहरी अवस्था को अनुभव करते हैं। ध्यान लिंग के सम्मुख होना एक दुर्लभ अवसर है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि आप एक गुरु की सन्निधि में बैठे हुए हैं। इसमें सभी सातों चक्रों की बिल्कुल चरम तक प्राण प्रक्रिया की गई है, जिससे कि यह व्यक्ति को विभिन्न आयामों में छूता है और उसके अंदर आध्यात्मिक मुक्ति का बीज बोता है। इस पवित्र स्थान की देखभाल गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित ब्रह्मचारियों का एक समर्पित समूह करता है, ताकि आने वाले हजारों वर्षों तक लोगों को बिना किसी विकृति के ध्यान लिंग की कृपा और ऊर्जा प्राप्त होती रहे। आइए और ध्यान लिंग की गरिमा में लीन हो जाइए।